हरियाणा में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। राज्य में 7,717 नए कोविड मरीज मिले। वहीं राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। ऐसे में राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 8,558 पर पहुंच गई, जिससे रिकवरी रेट अब लुढ़कता चला जा रहा है और ये पहुंचा है 88.01%। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरियाणा में शनिवार को 7,717 और लोग संक्रमण की चपेट में आए। वहीं शनिवार को प्रदेश में महामारी से जुड़े रिकॉर्ड 32 लोगों की मौत हो गई। पानीपत और फरीदाबाद में 5-5, हिसार, करनाल और रोहतक में 3-3, जींद, पलवल, पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम में 2-2 और फतेहाबाद, यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में 1-1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना से जंग को तेज करने के लिए प्रदेश सरकार ने गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगुवाई में मुख्य सचिव विजय वर्धन सहित 10 अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्तर के आईएएस, डीजीपी और स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर के 5 अधिकारियों वाली 17 सदस्य राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है, जो कोरोना से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देंगे। वहीं शनिवार की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटों में 2944 मरीज ठीक होकर लौटे हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 38,558 हो गई है। लगातार मिल रहे कोरोना के मरीजों के चलते रिकवरी रेट लुढ़कता जा रहा है, जो कि अब 88.01% पर आ गया है। पॉजिटिव रेट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5.17% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। मृत्यु दर 0.95% है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 2,68,624 मरीजों की जांच की जा रही है। शनिवार को 55,660 और लोगों के कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराया गया। प्रदेश में अभी तक 31,56,740 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में सर्वाधिक 2,549, फरीदाबाद में 987, सोनीपत में 646, हिसार में 507, अंबाला में 173, करनाल में 477, पानीपत में 250, पंचकुला में 350, कुरुक्षेत्र में 201, यमुनानगर में 225, सिरसा में 231, भिवानी में 150, झज्जर में 122, फतेहाबाद में 224, कैथल में 139 और जींद में 271 मरीज मिले हैं। इनमें 500 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें 406 ऑक्सीजन और 94 लोग वेंटिलेटर पर हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।